हेलो एंड वेलकम गाइस, अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं द सीजीआई हब। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से 3ds Max से सीन को एक्सपोर्ट करते हैं अपने अनरियल इंजन की तरफ। अब अनरियल इंजन में हम कैसे उसको इंपोर्ट करते हैं, लाइटिंग करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, मटेरियल्स, टेक्सचरिंग, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आगे चलते हैं। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए इस तरह के बहुत सारे वीडियोस लाता रहूँगा। अनरियल इंजन हुए, अपने लुमियन हो गया, वीरे हो गया, कोरोना रेंडरिंग हो गया, स्केचअप हो गया, बहुत सारी चीज़ें अपने पास आने वाली हैं। बस आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहे चैनल पर। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, यहाँ पर एपिक गेम्स की साइट ओपन करनी है, सॉरी लॉन्चर ओपन करना है, एपिक गेम लॉन्चर। यहाँ पे गेम नहीं खेलना फिलहाल, अपने को लाइब्रेरी में जाना है, स्टोर पे इन पे जाओगे तो आप गेम खेल सकते हो। यहाँ पे फ्री ऑफ गेम भी है, पेड वर्जन भी है। बाकी हम बात करें अभी अनरियल इंजन की, अनरियल इंजन पे हम क्लिक करते हैं और लाइब्रेरी में चलते हैं। अपने पास जो भी लोड वर्जन है आप यहाँ से करवा सकते हैं। इंजन आपको अगर यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5.1.0 मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। अगर आपको प्रीवियस वर्जन में जाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे 5.0.3 है, 4.272, 4.27, 26.2, 4.25.4, 24, 23rd, 22, 1, 2, ठीक है। आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधा हम करते हैं लॉन्च। ओके, पीछे आप सीन देख रहे हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ये सीन हमने यहाँ से लिया है, एक्सपोर्ट किया है। अब हम इसको करेंगे रेंडर इन अनरियल इंजन। सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे मैं कोई भी ले सकता हूँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर इस पे वो नहीं है कि भाई मेरे को कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। मैं यहाँ से कोई सा भी ले सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन भी ले सकता हूँ, मैं थर्ड पर्सन भी ले सकता हूँ, एंड टॉप डाउन एनी थिंग जो भी मुझे चाहिए। अगर आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर की बात करो तो ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ आएगा, बस ये है कि आपके जो भी आप इम्पोर्ट करते हो वो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्लैंक ब्लैंक टेम्पलेट विद मिनिमल फंक्शनलिटी एंड कंटेंट, दिस टेम्पलेट एनेबल यू टू यूज़ डाटा स्मिथ टू इम्पोर्ट मॉडल्स फ्रॉम वेरियस डिज़ाइन एप्लीकेशन एंड ईजीली लाइट देम। अगर मैं बात करूँ गेम्स की यहाँ पे थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा एक आर्टिकल देखोगे। यहाँ पे लिखा होगा कि द थर्ड पर्सन पैक फ्रॉम फीचर्स ए प्लेबल करेक्टर वेयर द कैमरा इज पोजिशनेड बिहाइंड एंड साइटली अबाउट द कैरेक्टर एज द कैरेक्टर मूव्स यूजिंग माउस कीबोर्ड कंट्रोलर वर्चुअल जॉयस्टिक ऑन ए टच डिवाइस द कैमरा फॉलोअर्स। ठीक है। अभी हम आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ ब्लैंक की, तो मैं ब्लैंक की तरफ मूव करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी अनरियल इंजन एक्सटीरियर, तो मैं यहाँ पे अपना सीन बनाता हूँ, प्रोजेक्ट का नेम करता हूँ एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर अंडरस्कोर 39001 सीन 20 टाइम्स, इट्स टू लॉन्ग। मैं इसको कर देता हूँ एक्सटीरियर, इट्स गुड, क्रिएट। मैंने यहाँ से बनाया, क्रिएट किया। अब ये लोड होगा, लोड होने के बाद अपने को क्या करना होता है, कैसे हम इसको सीन को सेटअप करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। बस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी देखने को कुछ मिले, वो भी कुछ सीख जाएं। ठीक है, बाकी आप लोगों का साथ चाहिए। अभी एक्सपोर्ट होने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ओपन होने में। हाँ, मेरी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ। राइजन 95950X, 16 कोर, 32 थ्रेड्स, 64GB 3600 MHz की रैम है मेरे पास, जिस स्किल की ट्राइडन जियो नी ट्राइडन जेड न्यू या एंड RTX 2080 जो मेरे साथ के हैं, केतन कश्यप जी उनके पास है RTX 4090,
गजब चीज़ है भाई। और अपने पास सिस्टम बहुत अच्छा खासा है। देखिए इसकी मिनिमल आप अगर आपको करना हो तो आप इसमें क्या होता है कि आपको एटलीस्ट 64 GB रैम हो तो बेस्ट है, क्योंकि कई बार हम जब मेगा स्कैन वगैरह से हम कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट वगैरह करवाते हैं, ऐसी चीज़ें ज़रूरी होती है जब हमको ये सारी चीज़ें करवानी होती है। सो अपने पास यहाँ पे एक ब्लैंक सीन अपने पास आ चुका है, जिसमें कैमरा है, कुछ कंट्रोलर्स हैं, कुछ लाइटिंग्स हैं, कुछ डायरेक्शंस हैं, एंड एक फ्लोर है चेकर्स वाला, चेक्स खेलेंगे यहाँ पे। चेकर्स में चेस खेलेंगे, चेस चेस। ओके सो बूम बूम, क्या करना होता है देखो, माउस कंट्रोल सबसे पहले जेड आगे दबा रहा हूँ, जेड प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा बिकॉज आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे हम इसको मूव ऑन करते हैं। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है भाई। बिगिनर जो भी आ रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नीचे हिट कर देना बस। यहाँ पे अपने पास आता है राइट क्लिक, जिससे हम व्यूपोर्ट को मूव नहीं रोटेट करवा सकते हैं राइट क्लिक करके माउस के, ठीक है। और उसी के साथ में अगर मैं W प्रेस करता हूँ तो आगे जा रहा है, S प्रेस करता हूँ तो पीछे जा रहा है, A प्रेस करता हूँ तो लेफ्ट में जा रहा है, और D प्रेस कर रहा हूँ तो राइट में जा रहा है। गेम खेलना है तो यहाँ खेल सकते हो, समझ गए। अभी तो यहाँ पे क्या करना होता है अपने को, राइट क्लिक करके W से फॉरवर्ड, S से बैकवर्ड, लेफ्ट A एंड D राइट। ओके इसी के साथ आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ही आप मूव ऑन कर सकते हो। मिडिल माउस से आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो। किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना ही पड़ेगा, जैसे कि हम अदर सॉफ्टवेयर्स में हम करते हैं। सो ये चीज़ है। अभी मेरा सिस्टम हैंग हो चुका है, सो इस पर एक बार थोड़ा सा एरर आ गया था वीडियो में, तो इसमें मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आप कीज़ वगैरह का तो समझ ही गए होंगे भाई, माउस वगैरह कैसे हम हैंडल करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इम्पोर्ट कैसे करते हैं अपने एक्सटीरियर को। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैंने कंटेंट ब्राउज़र यहाँ पे सेट कर रखा है, तो आप अपने हिसाब से कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। सो मैंने कंटेंट में यहाँ पे मैंने कर रखा है, जैसे कि मैंने एक फोल्डर बनाया है, यहाँ से राइट क्लिक किया, देन मेक ए फोल्डर, कॉल इट इम्पोर्ट, ठीक है। इसी में सारे कुछ चीज़ें हम इम्पोर्ट करेंगे, तो यहाँ से राइट क्लिक करके एंड यहाँ पे इम्पोर्ट टू गेम एंड ये सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे डेटा में, तो देखो आप यहाँ पे FBX वगैरह सारी चीज़ें इम्पोर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आएगा डेटा स्मिथ का। सो डेटा स्मिथ क्या बोलते हैं, डेटा स्मिथ या डेटा स्मिथ, विल स्मिथ की तरह, विल स्मिथ है ना, तो ये भी डेटा स्मिथ है, मैं तो यही मान के चलूँगा। अगर यहाँ से नहीं हो रहा क्योंकि आपको यहाँ से डेटा स्मिथ में से फाइल इंपोर्ट यहाँ से करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिंक भी आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्लिक करके इंपोर्ट अभी इसमें से सॉरी, शायद अभी इतना अपडेट नहीं हुआ कि यहाँ से इंपोर्ट कर दें, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। ठीक है, तो हमको यहाँ से ही करना पड़ेगा डेटा स्मिथ फाइल इंपोर्टर, यहाँ पे सी अनरियल इंजन, ये एक्सपोर्ट एंड फर्स्ट ग्राउंड, ग्राउंड वाला हम फर्स्ट में इंपोर्ट करते हैं, 86 KB का डॉट यू डेटा स्मिथ वाली फाइल है, नॉकी वो है, क्योंकि वो जो सारी फाइल्स हैं वो सारी इसमें हैं जितनी भी है, वो यहाँ से दिखेगी नहीं आपको, आपको ये करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा क्योंकि वो अलग फॉर्मेट में। अभी यहाँ पे इंपोर्ट वाले फोल्डर पे अपने को क्लिक करना है, क्योंकि हमने पहले ही बना दिया, ध्यान रखना है इस चीज़ को, क्या क्या करना है, समझ गए आप। इंपोर्ट करवा दूँ सीधा। अभी यहाँ पे मेरे को एनिमेशन भी नहीं चाहिए, कैमरा भी नहीं चाहिए, लाइट भी नहीं चाहिए, मेरे को मटेरियल टेक्सचर चाहिए, ज्योमेट्री चाहिए, इम्पोर्ट करवा लिया सब। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बता रहा हूँ मैं, घर आके ना एक एक से सब्सक्राइब करवाऊँगा फिर। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, यार ऐसे थोड़ी करोगे यार मेरे साथ में। देखो हमने यहाँ पे इंपोर्ट, अरे भाई साहब क्या लोड कर रहा है। देखो भाई आपके पास ग्राफिक कार्ड अगर आपका अच्छा खासा है ना, तो यू कैन गो,
फास्ट एंड फ्यूरियस। ओके वाह गजब। ठीक है यो देख रहे हो लाइटिंग। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया लाइटिंग में, क्योंकि हमने यहाँ से तो कुछ नहीं किया। इसके बाद में मैं बात करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी है, आप यहाँ पे देख रहे हो ग्राउंड का सारा मटेरियल इसमें आया है, ठीक है ग्राउंड के अंदर। तो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि सीने कैमरा, एक्सपोनेंशियल फ्लोर, ये ठीक है, इनको हम करते हैं थोड़ा साइड में यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इम्पोर्ट करवाने अपना बाकी का ऑब्जेक्ट्स तो दिक्कत आएगी, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्ट आउटर वॉल इम्पोर्ट देन ओके इम्पोर्ट, क्योंकि वो सारी सेटिंग्स हमने ऑलरेडी कर रखी है। इसमें ज़्यादा कुछ माथापड़ी नहीं करनी। 5.15 में अनरियल इंजन 5 में तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ गई 4 के बजाय तो, ठीक है। ये भी अपना इम्पोर्ट हो गया। अब लास्ट अपने पास बचा है अपना हाउस। सो इम्पोर्ट अलग अलग मैंने क्यों किया, ताकि सिस्टम पे और अपने सीन पे लोड ना पड़े, इस वजह से मैंने इसको इम्पोर्ट मटेरियल एंड ज्योमेट्री। देखो यहाँ पे कुछ नहीं मैंने सेट किया कुछ, यहाँ पे 64 है, 52 मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैंने ये सही, ठीक है मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सही लगा इसलिए मैंने वो कर दिया। मेरा सिस्टम अच्छा खासा कैपेबल है उस चीज़ को लेने के लिए, तो वो आराम से इसको कैच कर लेगा और आप आराम से हम इसको इम्पोर्ट करवा सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है, ग्राउंड हमने इम्पोर्ट करवा दिया, वो हमने इम्पोर्ट कर दिया। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरह से इनको एक्सपोर्ट करवाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हमने इम्पोर्ट करवाया है यहाँ पे। बहुत ईजी स्टेप है, कोई ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा दो, ठोक दो लाइक यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए। अभी बस एक बार यहाँ पे मैप को लोड कर ले, यहाँ पे शेडस वगैरह को लोड कर ले। देखो यहाँ पे आपका सीन यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है भाई। यार कर दो यार सब्सक्राइब कर दो यार, गुस्सा दिला रहे हो तुम लोग, ऐसे चले जाते हो बिना सब्सक्राइब किए। चैनल में इतने दिन मैंने बना नहीं यार, तुम लोग मेरे को डीमोटिवेट कर देते हो, मैं चैनल पे कुछ बना ही नहीं पाता इस वजह से। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए मेरा मन नहीं करता फिर कुछ बनाने का यार, समझो बात को, दुख होता है भाई ऐसे करोगे मेरे साथ। अब ये क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इनका हम सॉर्ट आउट करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो में देखो कैसा क्या करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।